सो राहुल गांधी ने फॉर्मली मना कर दिया है कि वो लोकसभा में कांग्रेस की लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनकी जगह एक लेफ्ट फील्ड से नाम उभर के आया है, एक ऐसा नाम जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था, नाम अधीर रंजन चौधरी का। अधीर रंजन चौधरी की कहानी बड़ी शानदार है। सो वी एट द ब्लंटेड टुडे डिसाइडेड टू टेल यू दिस वेरी इंस्पिरेशनल पॉलिटिकल स्टोरी ऑफ अ मैन हु इन द पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल डिसाइडेड to stay there even after being met with political violence. '91 में पश्चिम बंगाल की विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे थे और उसी विधानसभा की एक सीट नाबाग्राम सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे 36 वर्षीय युवा नेता अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी के सामने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लोग खड़े थे, सामने था 300-350 कार्यकर्ताओं का एक जत्था और अधीर रंजन चौधरी उनके सामने चले गए। दिस वॉज एन एरा ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल वायलेंस इन बंगाल और उन 300-350 की भीड़ ने अधीर रंजन चौधरी का पीछा किया, उन्हें मारने की कोशिश करी और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी के सामने जो प्रत्याशी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को बंदी बना लिया। ही वॉज टेकन इन टू कस्टडी बाय द मैन ही वॉज कंटेस्टिंग एन इलेक्शन अगेंस्ट। लेकिन ये राजनीति का फेर है और जनता के समर्थन की हकीकत को राजनीति में कोई झुटला नहीं सकता। वही अधीर रंजन चौधरी जिसके बारे में खबर चली कि इन्हें बहुत मारा गया, वही अधीर रंजन चौधरी जो इतने हेल्पलेस थे कि अपने सामने वाले कंटेस्टेंट के बंदी बनाए जाने पर भी कुछ नहीं कर पाए, वो अधीर रंजन चौधरी अगले विधानसभा चुनाव यानी 1996 के चुनाव में जीत जाता है, विधायक रहता है 3 साल तक। उसके बाद 1999 में अपनी गृह सीट बहरामपुर की सीट से लोकसभा पहुंचते हैं और लोकसभा पहुंचने के बाद 2019 तक एक भी बार लोकसभा के बाहर नहीं जाते। ये बड़ा लंबा सफर है अधीर रंजन चौधरी का, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी टू लीड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द लोकसभा। लेकिन उससे भी बड़ा एक सवाल है और वो सवाल ये है कि क्या अधीर रंजन चौधरी वाकई में ऑल पावरफुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे या फिर वो वैसे ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे जैसा लोग कहते हैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यानी रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के घर में होगा। ये देखना बड़ा रोचक होगा कि कांग्रेस के अलग अलग गुट, अलग अलग तबके, अलग अलग खित्ते इस बारे में क्या सोचते हैं। और ये भी देखना बहुत रोचक होगा कि हमने जो प्रेडिक्शन किया था दैट द कांग्रेस माइट ब्रेक इन द कमिंग फ्यू डेज, वो सच होता है या नहीं। वो सच हो ना हो, लेकिन हम अपना एक वादा जरूर निभाते रहेंगे एंड दैट इज टू कीप कवरिंग द पॉलिटिकल इश्यूज एंड द पॉलिटिकल रियालिटीज ऑफ दिस कंट्री and to keep telling you the truth about those political realities. Till then, do like, share and subscribe and yes, keep watching theblunted.com as blunt as it gets.